नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोशल टेक उमेश पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, और आई एम श्योर कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ लेटेस्ट ऐप लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, और अगर आपके मोबाइल में वो ऐप हैं तो आपको अपने मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों मैंने जो है टॉप 5 स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिए हैं, और इनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इन पांचों ऐप्स को मैंने अच्छी तरीके से यूज़ किया है, उसके बाद ही मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ, इनका इस्तेमाल क्या है, कौन से ऐप में क्या खासियत है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्त ध्यान से देखेगा मेरा वीडियो, और जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो उन लोगों से मैं कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और दोस्तों मेरे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप तक पहुंचते रहेंगे, क्योंकि मैं अपने चैनल पे टेक्निकल वीडियो, नए नए ऐप्स रिलेटेड, नई जानकारी जो भी टेक्नोलॉजी से आती हैं वो उसके बारे में, और फोटोग्राफी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों पहला जो ऐप मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है MovieGen। आपको इसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, और आप चाहिए तो प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको जाके MovieGen टाइप करना है, MovieGen। इस तरीके से आप MovieGen टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे MovieGen आ जाएगा, आपको यहाँ पर टिक करना है। लोगो आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों किस टाइप का लोगो होगा। ये जो आप पहला लोगो देख रहे हैं रेड कलर का, इसमें M लिखा हुआ है, ये है MovieGen का लोगो। ये आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। इसमें क्या खासियत है दोस्तों ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। MovieGen में तो दोस्तों यहाँ पे इसके ये इस तरीके से इसका जो है इंटरफेस आता है। जो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में इसका आप वीडियो सेटिंग अगर आप देखेंगे तो वीडियो में इसका रेजोल्यूशन आपको 1080p मिलता है, उसके अलावा 720p भी मिलता है जो कि HD में आता है, 480p, 360p, 240p तक इसका वीडियो रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है। क्वालिटी इसकी आपको जो है 8.0m, 6mm, 12mm, 24mm, इससे आपकी क्वालिटी भी मिल जाती है। और अगर आपके वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रेम की बात करें तो इसका अगर ऑटो में भी आप सेट कर सकते हैं, और 60 फ्रेम पर सेकंड इसका मैक्सिमम रिकॉर्डिंग स्पीड होता है, और आपको मिनिमम जो है 5 फ्रेम पर सेकंड का इसका रिकॉर्डिंग स्पीड आपको मिल जाता है। अगर इसके नीचे जाते हैं तो दोस्तों इसमें क्लीन रिकॉर्डिंग मोड भी आता है। अगर इस क्लीन रिकॉर्डिंग मोड को हम ऑन करते हैं तो ना तो इसका लोगो आएगा, जैसे आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं एम लिखा हुआ है तो ये लोगो भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। दूसरा आपका फेस कैम भी, इसमें कैमरे का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपना फेस दिखाना चाहते हैं तो आपका फेस भी, फ्रंट कैमरा भी चालू होता है जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो वो सब इसमें नहीं आएगा। ये इसको आप, मैंने फिलहाल ऑफ किया हुआ है, आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला इसका ऑप्शन आता है एयर सर्कल का, इसका जो लोगो है उसका ऑप्शन आता है। ये देखिए इसमें एक तो इसका लोगो MovieGen का लोगो इस तरीके से आता है, दूसरा इसमें आप अपना पिक्चर खुद का भी डाल सकते हैं, और इसका सर्कल जो है आप ऑटोमेटिकली हाइड कर सकते हैं, जो कि इसमें मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है। और इसको अगर स्टॉप करना है आपको रिकॉर्डिंग तो आपको इसका नोटिफिकेशन बार नीचे पुल आउट करना है, और वहाँ पे जो है स्टॉप का बटन, स्टॉप को प्रेस कर देना है। अगर आप कहीं कहीं पे किसी किसी मोबाइल में इसका पावर बटन प्रेस करेंगे तो भी इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। इसका माई ऑन वाटरमार्क जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका MovieGen का खुद खोलोगे आप अपना खुद का भी वाटरमार्क यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग टाइम जो है दोस्तों, ये काउंटडाउन इसका ऑप्शन अगला आता है। काउंटडाउन में आप इसका कितना डिले आप करना चाहते हैं अपने रिकॉर्डिंग में, जैसे 3 सेकंड बाद अपनी रिकॉर्डिंग चालू करेंगे, 5 सेकंड, तो इसमें जो है आपके 10 सेकंड तक का मैक्सिमम रिकॉर्डिंग है, और डिसेबल करना है तो डिसेबल भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला जाता है इसका रिकॉर्डिंग टाइम इनसाइड ऑफ सर्कल, इसका रिकॉर्डिंग टाइम दिखाएगा। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो वो भी रहेगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रखना चाहते हैं वो भी रहेगा, राइट कॉर्नर, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप इसको वीडियो स्टोरेज करना चाहते हैं वो भी रहता है, इंटरनल स्टोरेज है या फिर आप इसका अपने कार्ड में स्टोरेज करना चाहते हैं वो भी इसको आपके दिखाएगा। तो ये था मेरा पहला ऐप MovieGen, एक अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है प्ले स्टोर पर, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं, लिंक इसका आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले ऐप पे आते हैं दोस्तों, ये है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर यहाँ पे मैं AZ स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको आपका इंटरफेस दिखा देता हूँ। ये जो आप पहला भी हाईलाइट देख रहे हैं, यहाँ पे जब वीडियो रिकॉर्ड होगा तब यहाँ पे आएगा, दूसरा जो है यहाँ पे स्क्रीन शॉट हम जो लेते हैं वो यहाँ पे दिखाएगा, और तीसरे में आपको दिखाएगा कि
इसका वीडियो सेटिंग जैसे मूवी जिनका आप मैंने दिखाया वो इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सेटिंग दिखाएगा। तो इसका रेजोल्यूशन आप देख लीजिए, इसमें आपको रेजोल्यूशन जो है काफ़ी वेरिएंट आपके मिल जाते हैं, कस्टम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और HD में इसका 1920x1080p भी मिल जाता है, उससे कम भी आपको मिल जाता था जैसे कि मोबीजन में था। तो इसका फ्रेम पर रेट इसमें भी 60 फ्रेम पर सेकंड तक का मिल जाता है, कम से कम इसमें 20 फ्रेम पर सेकंड मिलेगा आपको। इसको आप ऑटो में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बिट रेट जैसा कि उसमें था वैसा ही इसमें है, 12 मेगापिक्सल तक मिल के आपको 1 MBPS तक भी मिल जाता है। ओरिएंटेशन आप इसका लैंडस्केप में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं पोर्ट्रेट में वो भी इसका ऑप्शन आपको मिलता है। टाइम डिसेबल जैसे कि मोवीजन में था वैसे यहाँ पे है, और इसमें जो इसके टाइम लैप्स है एक्चुअली ये, तो इसमें आप वीडियो की स्पीड आप कितना करना चाहते हैं, हाई स्पीड में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 2x3 इसका हाई स्पीड रहेगा और मैक्सिमम 1x3 इसका स्लो स्पीड रहेगा, तो यहाँ पे इसका वो आप कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑडियो आप इसका कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, आप इसका यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो हाइड रिकॉर्डिंग विंडो, ड्यूरो रिकॉर्डिंग वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। मैजिक बटन का इसमें एक ऑप्शन आता है वो भी आप ऑन कर सकते हैं। काउंटडाउन टाइमर जैसे कि बाकी मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर में है उसमें भी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, और काउंटडाउन वैल्यू आपकी यहाँ पे 3 सेकंड है, इसको आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट लोगो कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। शो कैमरे का ऑप्शन भी इसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों इस ऐप में भी। तो ये ऐप भी एक तरीके का काफ़ी अच्छा है। ये ऐप दोस्तों आपको 2 वर्जन में मिलता है, एक प्रो वर्जन इसका आता है जो कि परचेज करना पड़ता है, एक फ्री वर्जन है, तो फ्री वर्जन आप इसका यूज़ करके अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगला ऐप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है स्क्रीन रिकॉर्डर, इसका नाम ही स्क्रीन रिकॉर्डर है। तो प्ले स्टोर में जाके आप स्क्रीन रिकॉर्डर टाइप कीजिएगा, इस तरीके का लोगो आएगा ब्लू कलर का, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी सेटिंग भी आपको बता देता हूँ, इसमें वीडियो रिकॉर्ड होगा, स्क्रीनशॉट भी रिकॉर्ड होगा, और वीडियो ट्रिम भी कर पाएंगे यहाँ पे आप इसमें। अगर आप वीडियो ट्रिम रिकॉर्ड किया और आप इसमें कुछ ट्रिम पार्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सेटिंग दोस्तों दिखा देता हूँ, पहला सेटिंग टाइमर का है, इसमें आप कितने सेकंड के बाद रिकॉर्डिंग चालू करना चाहते हैं वो है। दूसरा इसमें एक मैजिक बटन का ऑप्शन दिया है, स्टॉप ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, मोबाइल को शेक करके आपको स्टॉप करना है या स्टॉप नोटिफिकेशन आप लेना चाहते हैं या फिर स्क्रीन ऑफ ऑफ हो जाए तब आप इसकी रिकॉर्डिंग बंद करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। फाइल फॉर्मेट है, सेव द फिक्स है, रेजोल्यूशन में इसमें आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। देखो 1280x720 और इसके ऊपर आपको 3840x2160 यहाँ तक आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है। इसमें रिकॉर्डिंग के ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हैं बाकी मोबाइल ऐप से, स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से। बिट रेट इसका 8 PS आपको मिलता है और ये मैक्सिमम आपको 40 MBPS और मिनिमम 2 MBPS तक आपको मिलता है। 8 MBPS इसका ठीक है, फ्रेम पर सेकंड 60 फ्रेम पर सेकंड मिल रहा है और ठीक है, और इसमें जो है 120 फ्रेम पर सेकंड भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और मिनिमम 20 फ्रेम पर सेकंड है, जो कि इसमें काफ़ी वेरिएंट इसमें अवेलेबल हैं। तो इसमें ऑडियो भी ट्रेड भी दिया हुआ है, इसमें भी ऑडियो है। जो दोस्तों जितने भी मैं आपको यहाँ पे ऐप बता रहा हूँ वो सब जो है इनबिल्ट ऑडियो के साथ आते हैं, उसमें सबको सब में आपको ऑडियो आपका रिकॉर्ड जरूर होगा। तो दोस्तों चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताता हूँ दोस्तों। अगला है स्क्रीन कैम, स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया, आप स्क्रीन कैम पे जाइए, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में देखिए इसका लिंक भी आपको मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड स्क्रीन कैम का अपने इसमें दे दूंगा। सीधे इसमें सेटिंग का ऑप्शन खुलता है, ये लाल बटन आप दबाएंगे तो आपका रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। रेजोल्यूशन है इसका, फ्रेम पर सेकंड है, बिट रेट है, ओरिएंटेशन है, सब आपको इसमें ऑप्शन मिलता है। फाइल फॉर्मेट है, इसमें भी काफ़ी कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, काफ़ी इजी है इसको यूज़ करना, बाकी ऐप की तरह इसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा ऐप है और बहुत इजी यूज़ करना है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप इनमें से किसी भी ऐप को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। दोस्तों अगला ऐप आपको बताता हूँ MNML, ये इसका नाम, इसको बोलते हैं मिनिमल स्क्रीन रिकॉर्डर नाम है इसका। और अगर आप इसको देखना है रिकॉर्ड यहाँ पे नीला बटन आप रिकॉर्ड चालू करेंगे तो सीधे इसकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी और इसमें इजी रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा दी है, इसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं है लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इजी होती है स्क्रीन कैम की तरह जैसे स्क्रीन कैम में, लेकिन स्क्रीन कैम में ऑप्शन आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, MNML में इस ऑप्शन आपको कम मिलते हैं। MNML का भी लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे भी मेरे टॉप 5 स्क्रीन रिकॉर्डर जो कि मैंने खुद यूज़ किए हैं, उसके बाद आपको बताए हैं इनके क्या क्या फ़ायदे वो भी आपको बता दिए, किस एप्लीकेशन में क्या क्या खासियत है वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल रहा हो तो मेरे को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।